देश को प्यार करने वाले को, इस देश की मिट्टी को प्यार करने वाले को, इस देश के कोटि कोटि जनों को प्यार करने वालों को, हर किसी को सतर्क रहने की जरूरत है। मेरे परिवारजनों, एक तरफ आज का भारत दुनिया को जोड़ने का सामर्थ्य दिखा रहा है, दुनिया के मंचों पर ये हमारा भारत विश्व मित्र के रूप में सामने आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे दल भी हैं जो देश को, समाज को विभाजित करने में जुटे हैं। इन्होंने मिलकर के एक इंडी अलायंस बनाया है। इस इंडी अलायंस को कुछ लोग गमंडिया गठबंधन भी कहते हैं। इनका नेता तय नहीं है, नेतृत्व पर भ्रम है, लेकिन इन्होंने पिछले दिनों जो मुंबई में उनकी मीटिंग हुई थी, मुझे लगता है उस मीटिंग में उन्होंने आगे एक गमंडिया गठबंधन कैसे काम करेगा उसकी नीति और रणनीति बना दी है। उन्होंने अपना एक हिडन एजेंडा भी तय कर लिया है, और ये नीति रणनीति क्या है, ये इंडी अलायंस की नीति है, एक गमंडिया गठबंधन की नीति है, भारत की संस्कृति पर हमला करने की। इंडी अलायंस का निर्णय है भारतीयों की आस्था पर हमला करो। इंडी अलायंस गमंडिया गठबंधन की नीयत है भारत को जिस विचारों ने, जिस संस्कारों ने, जिस परंपराओं ने हजारों वर्ष से जोड़ा है उसे तबाह कर दो। जिस सनातन से प्रेरित होकर देवी अहल्याबाई होलकर ने देश के कोने कोने में सामाजिक कार्य किए, नारी उत्थान का अभियान चलाया, देश की आस्था की रक्षा की, ये गमंडिया गठबंधन, ये इंडी अलायंस उस सनातन संस्कारों को, परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर के आए हैं। ये सनातन की ताकत थी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों को ये कहते हुए ललकार कर पाई कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। जिस सनातन को गांधी जी ने जीवन पर्यंत माना, जिन भगवान श्री राम ने उनको जीवन भर प्रेरणा दी, उनके आखिरी शब्द बने हे राम, जिस सनातन ने उन्हें अस्पृश्यता के खिलाफ आंदोलन चलाने के लिए प्रेरित किया, ये इंडी गठबंधन के लोग, ये गमंडिया गठबंधन के लोग उस सनातन परंपरा को समाप्त करना चाहते हैं। जिस सनातन से प्रेरित होकर स्वामी विवेकानंद ने समाज की विभिन्न बुराइयों के प्रति लोगों को जागरूक किया, इंडी गठबंधन के लोग उस सनातन को समाप्त करना चाहते हैं। जिस सनातन से प्रेरित होकर लोकमान्य तिलक ने
मां भारती की स्वतंत्रता का बीड़ा उठाया, गणेश पूजा को स्वतंत्र आंदोलन से जोड़ा, सार्वजनिक गणेशोत्सव की परंपरा बढ़ाई। आज उसी सनातन को ये इंडी गठबंधन तहस नहस करना चाहता है। साथियों, ये सनातन की ताकत थी कि स्वतंत्रता आंदोलन में फांसी पाने वाले वीर कहते थे कि अगला जन्म मुझे फिर ये भारत मां की गोद में देना। जो सनातन संस्कृति संत रविदास का प्रतिबिंब है, जो सनातन संस्कृति माता शबरी की पहचान है, जो सनातन संस्कृति महर्षि वाल्मीकि का आधार है, जिस सनातन ने हजारों वर्षों से भारत को जोड़े रखा है, ये लोग मिलकर अब उस सनातन को खंड खंड करना चाहते हैं। आज इन लोगों ने खुल करके बोलना शुरू किया है, खुल करके हमला करना शुरू करके दिया है। कल ये लोग हम पर होने वाले हमले और बढ़ाने वाले हैं। देश के कोने कोने में हर सनातनी को, इस देश को प्यार करने वाले को, इस देश की मिट्टी को प्यार करने वाले को, इस देश के कोटि कोटि जनों को प्यार करने वालों को, हर किसी को सतर्क रहने की जरूरत है। सनातन को मिटाकर ये देश को फिर 1000 साल की गुलामी में धकेलना चाहते हैं, लेकिन हमें मिलकर ऐसी ताकतों को रोकना है। हमारी संगठन की शक्ति से, हमारी एकजुटता से उनके मनसूबों को नाकाम करना है, उनके मनसूबों को नाकाम करना है।